क्या सही कराया बस, कहने क्या अपने इस पे ठेली पे लगाओ, बोर्ड लगाओ अपने ठेली पे बनाए। धर्म के नाम पर इंसान को बांध जा रहा है। अगर आप जाति धर्म के आधार पर कुछ भी गलत करोगे तो फिर सवाल बने। जिन लोगों को रोजगार है, आपने लाइसेंस दिए, उनके परिवारों क्या होगा, वो परिवार कहाँ जाएंगे, इस पे क्या जवाब है उनके पास। जब जो रोजगार है किसी का, उसको आप खत्म कर दोगे। एक तरफ आप बड़ी बड़ी कंपनी को लाइसेंस दिया आपने, लखनऊ में अगर ये जुल्म करोगे तो लखनऊ से जो हवा चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी, 27 में सूर समेत आपको वापस देगी। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बात को कान खोलकर सुने। सरकार आपकी कौन बंद करा देगा और क्यों बंद करा देगा? हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल ये, उनके सहयोगी भी जेडीयू के लोग, आरएलडी के लोग, वो भी सवाल कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? न्याय पसंद हर व्यक्ति गलत का विरोध करेगा, और अगर नहीं विरोध करता तो जनता उसके चरित्र को पहचान जाएगी। तो अगर आप कुछ गलत करोगे और इस वजह से कि कोई नाराज ना हम चुप रह जाए, तो हमसे तो नहीं होगा भाई। अगर आप जाति धर्म के आधार पर कुछ भी गलत करोगे तो फिर सवाल बनेगा। आपने अभी मांस की दुकानें बंद करा दी, बहुत अच्छी बात है आपने करा दी, लेकिन जिन लोगों को रोजगार है, आपने लाइसेंस दिए, उनके परिवारों क्या होगा, वो परिवार कहाँ जाएंगे, इस पे क्या जवाब है उनके पास? क्या वो उनको इतने दिनों में अपना घर चलाना खर्चा देंगे, उनके बच्चे भूखे मरेंगे? जब जो रोजगार है किसी का, उसको आप खत्म कर दोगे। एक तरफ आप बड़ी बड़ी कंपनी को लाइसेंस दिए आपने, मीट के बड़े बड़े लाइसेंस दिए आपने, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, तो उनको नहीं बंद करोगे? ये जो गरीबों का कुचलने का इंतजाम सरकार कर रही है, इसका खामियाजा जैसे अयोध्या भुगतना पड़ा, और ये लखनऊ है, लखनऊ में अगर ये जुल्म करोगे तो लखनऊ से जो हवा चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी, 27 में सूर समेत आपको वापस देगी। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बात को कान खोलकर सुन रहे हैं। बेहतर कर दिया, कितना किया है तो हम आपके सामने खड़े, चार चार गोली खाकर कितना बेहतर किया है? उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित है आप देख लो, पुलिस की गोली से अब एक पुलिस का जवान मर गया, पुलिस को लोगों ने पीट दिया, एक एसडीएम को पीट दिया बनारस में, आप देखो अधिकारी दफ्तर में सुरक्षित नहीं है, तो कौन से कानून व्यवस्था है? अभी उन्नाव में एक बेटी के साथ जो घटना हुई, इसका जवाब कौन देगा? हाथरस में जो ये इतने लोग मर गए, इसका जवाब कौन देगा? कौन सी कानून व्यवस्था आपके यहाँ है? सब चीजों को टाल के और दूसरी सरकारों पे के ऊपर थोप के काम नहीं चलेगा। आप तो 7 साल से मुख्यमंत्री, आप बताओ ना, ये क्या काम चल जाएगा? हमारे हाथ में होती, देखो कोई गुंडा अगर किसी गरीब की बेटी को सता देता या माफिया सही कर लेता, तो हमारे हाथ में नहीं, आपके हाथ में, आप क्या कर रहे हो, आप जवाब दो। ये कह के जैसे दिल्ली वाले नेहरू जी पे छोड़ देते और इधर वाले अगर किसी और पे छोड़ देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। देखिए मैं फिर कहता हूं, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाला व्यक्ति हूं, धर्म के मुद्दे को जब आप ले आओगे तो बुनियादी मुद्दे चले जाएंगे। आप मुझे बताओ, क्या नौजवान सुसाइड नहीं कर रहा? क्या नौजवान, उसका परिवार परेशानी नहीं झेल रहा? क्या नौकरियों के नाम पे धोखा नहीं किया आप लोगों ने? क्या गरीब मजदूर किसान को जो है मनरेगा में जो पैसा मिलता, क्या उसका घर चल जाता? आपने कौन से स्किल डेवलपमेंट में कौन से रोजगार खड़े हैं, इसका जवाब है सरकार के पास? महिलाओं को कुटीर उद्योग कहाँ कहाँ लगाए हैं आपने, इसका जवाब है आपके पास? क्या है मुख्यमंत्री जी, ये जवाब दें। धर्म व्यक्तिगत है, हर आदमी का अपना धर्म है, आकिब साहब का अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म है, सौरभ साहब का अपना धर्म है, अनिकेत जी का अपना धर्म है। धर्म एक व्यक्तिगत इशू है, व्यक्तिगत विषय है, लेकिन बुनियादी सवाल, बुनियादी जरूरतों पे बात करनी पड़ेगी, सरकार से भाग नहीं सकती। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।